सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चौहान स्टैंड करूँ। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर राम। दोस्तों मैं हाजिर हूं एक नए स्टैंड के साथ। तो दोस्तों आज की जो वीडियो मैं बनाने वाला हूं, आज की वीडियो काफ़ी बेहतरीन और ख़ास करने वाला हूं, वो भी आपके लिए। तो दोस्तों मैं इस चीज़ को बहुत सोच समझ के आपके लिए जो भी मैंने स्टंट को बनाया, जिसकी प्रैक्टिस की है, वो आपको मैं बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की भी हो सकता है अगर आप नहीं कर पाते हो। बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि जो भी काम किया है तो इंसानों ने ही किया है। और भाई ज़्यादातर मैं उनको बता दूं, जो भी लोग स्टंट के शौकीन हैं बट वो नहीं कर पाते, तो प्लीज़ हमारी ज़्यादातर हमारे चैनल पर आएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और उनके लिए एक बात और बता दूं कि आपको जिस तरीके की भी वीडियो चाहिए, मेरा ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, अब आप में जाके आप मेरा व्हाट्सअप नंबर ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन किसी भी वीडियो को खोल के देख लीजिए, मेरा वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सअप करके आपको जिस टाइप की वीडियो चाहिए मैं आपको क्रिएट करके दूंगा। तो दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट हमारे वीडियो में ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा तसल्ली मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। तो दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो आप मैंने आपको ऊपर बता दिया होगा, जो भी आपको ऊपर थंबनेल दिया हुआ होगा, आपने दिख दिया होगा कि मैं आज किस टाइप की वीडियो बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर कराते हैं। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आपके लिए क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। आप जो भी स्टंट करते हो आपके लिए सेफ्टी किट, हेलमेट और राइडिंग जो भी मतलब चीज़ें हैं वो आपको परमानेंटली यूज़ करनी है, क्योंकि उनसे क्या है कि आपकी फुल प्रैक्टिस है। बट फिर भी कभी कभार ऐसा हो जाता है हमारे साथ में, अचानक हादसा हो जाता है जिसकी वजह से हम इंजर्ड हो जाते हैं। तो भाई बाइक की टूट फूट हो जाएगी, कोई बात नहीं है, पैसे लगा के सही करवा लोगे। अगर आपकी टूट फूट हो जाएगी तो आपके घर वालों को परेशानी होगी। तो दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हम आपको बता दें कि जो भी मैं स्टंट आज बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। आप भी स्टंट कर सकते हो, आपको भी लोग जो है बाहर देखेंगे। आप जब भी बाहर जाओगे आप स्टंट करोगे तो आपको सिंपल सी बात है, आप भी दूसरों को बता सकते हो। आपके लिए बता दें, जो आपको मैंने बताया कि पहले एक मैंने वीडियो डाला कि आप केवल अपने हैंडल पर दोनों पैरों को रख के बाइक को कैसे चलाएं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो फुल हैंडल है आपका, उस पर आप बैठ के अपनी बाइक को कैसे चला सकते हो। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी लोगों के कमेंट्स हैं और काफ़ी मेरे जो मिलने वाले हैं उन बंदों ने भी मेरे को बोला कि भाई मुझे इस टाइप की वीडियो चाहिए। तो मैं उनकी आज डिमांड पे और कुछ कमेंट्स की डिमांड पे आज मैं ये वीडियो को क्रिएट करने वाला हूँ। जो आज की वीडियो मैं आपको बता दूँ कि आपकी वीडियो जो भी है मैं आपको जितनी बताने वाला हूँ वो मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए कोई पॉइंट जो है मैं गलत नहीं बताता हूँ। और जो भी पॉइंट बताने की कोशिश करता हूँ वो फुली हिंदी में बताता हूँ। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं बैठने का ट्रिक। तो गाइस आपको बता दें कि आपको बैठने का ट्रिक क्या है और आपको किस तरीके से बैठना है। सबसे पहले अपनी बाइक को आप स्टार्ट करना है। जैसे ये मेरी बाइक है जो भी मैं स्टंट के लिए यूज़ करता हूँ, तो आपको पता है कि मैं इसी बाइक का यूज़ करता हूँ। तो आपको क्या करना, सिंपली से अपने हेलमेट को यूज़ करना है, क्योंकि आपके सर की चोट जो होती है बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है हम लोगों के लिए। और किसी तरीके से हमें सर की चोट जो है जोखिम में नहीं डालना है सर को, तो हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे ये हमारी बाइक है, आपको क्या करना है कि ऐसा नहीं है जो मैंने ऊपर थंबनेल दिया हुआ, तो उसमें क्या है कि मैंने आपको बताया होगा कि आपको अपनी बाइक जो है आपको बाइक को हैंडल पर कैसे बैठना है। तो उसके लिए मैंने पूरी वीडियो बनाने की आप लोग कोशिश करता हूँ। तो आपको क्या करना है, सिंपली से आपने जिस तरीके से आप बाइक पर बैठ के स्टार्ट करते हो आपको सिंपली से उसी तरीके से चलाना है। आपको अपनी बाइक पर बैठना है। बाइक पर बैठने के बाद में आपको क्या करना है कि अपने एक पैर को, आपको जब आपकी बाइक फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ गियर में गाड़ी जो है रनिंग करने लगती है, ग्रोथ पूरी हो जाती है, जब बाइक पूरी ग्रो होने लगती है आपकी रनिंग में पहुंच जाती है, उसके बाद मुझको क्या करना होता है कि कुछ चीज़ों का बेसिक ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हमारी बाइक का एक्सीलेटर होता है वो हमें कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे मैं बाइक हर वीडियो में बताता हूँ, आपको कोई वायर ले लीजिएगा या एक सूलेस ले लीजिएगा, जिससे आप जूते का जो सूलेस होता है आप उसको निकाल के यहाँ पर बांध सकते हो। उससे क्या होगा कि हमारी बाइक की जो पूरी कंट्रोल होती है, हमें कितनी स्पीड पर चलानी वो हमें इससे अंदाज लग जाती है। उसके बाद में हमारी बाइक जब ग्रो करने लगती है तो हमें क्या करना होता है, जैसे मैंने पहले एक वीडियो डाला था उसमें आपको बताया था कि आपको एक पैर से अपने बाइक को हैंडल पर रख के कैसे चलाना है। तो उस चीज़ को आपको क्या करना है कि आपको दोनों पैरों को धीरे धीरे निकाल के यहाँ से, और आपको ये दोनों पैर जो हैं आपने यहाँ पे लाना है। यहाँ पे लाने के बाद में आपको सिंपली से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप अपना एक्सीलेटर और सीट को कंट्रोल में कर लोगे तो उसके बाद में क्या है, धीरे 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 आपको यहाँ साइड से बैठ के और पैरों को अपने बिल्कुल यहाँ लगाना है। यहाँ पे लगाने के बाद में आपको फुल अपना वेट जो है वो टंकी के इस साइड पर रखना है, और ये आपकी जो मोटा जो पैरों का मोटा हिस्सा होता है आपको ये चीज़ को अपने हैंडल पर रखना है, जिससे क्या होगा कि हमारी बॉडी का बैलेंस भी बना रहेगा, बाइक के हैंडल का भी बैलेंस बना रहेगा, इससे हमें दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद में क्या करना है कि आपको लगता है कि आपकी बाइक जो है धीरे धीरे ग्रो कर रही है, आपकी बाइक नहीं गिरने की स्थिति में है, तो आप अपनी बाइक को हैंडल को छोड़ सकते हो अगर आपका एक्सीलेटर कंट्रोल किया हुआ है। तो अगर कंट्रोल नहीं किया हुआ है तो आप बाइक के हैंडल एक्सीलेटर को कंट्रोल कर लीजिएगा, क्योंकि क्या है आपकी बाइक जब भी रेस कम होगी तो आपका बैलेंस थोड़ा आगे को जाएगा। तो इसलिए मैं जो भी वीडियो बताता हूँ आपके लिए परमानेंटली हिंदी में बताता हूँ। कोई भी पॉइंट आप प्लीज मिस मत कीजिए, मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो अपनी वीडियो का पूरा हम डेमो आपको करके बताते हैं कि आपको किस तरीके से कहाँ पर बैठना है और कहाँ पर प्रैक्टिस करना है, अपनी जो भी प्रैक्टिस है वो कैसे करनी है।